हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दिस लेक्चर जरूरी है जानना कि 2025 के अंदर अगर आप अपने यूपीएससी ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने पीएसआई ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल को टाइम पे तैयार करें टू इंश्योर एन टू एन रिविजन एज वेल एज आंसर राइटिंग जिसके लिए हमारा बैच वन हो गया है लॉन्च नाउ इज इवन मोर इंपॉर्टेंट दैट डिस्पाइट रिजाउंडिंग सक्सेस वी इंश्योर के हमारे प्राइसेस कंटिन्यू टू रिमेन एट एन अफोर्डेबल पॉइंट ताकि कहीं से भी अगर बच्चा आ रहा हो वो इनको खरीद सके इन्हें अवेल कर सके राइट right? सो so, हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है एंड टू एंड कोर्स है जहां पे ना ही आपको वीडियो वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर्स कंप्लीट प्रोवाइड किए जाते हैं ना इंपॉर्टेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है रिकॉर्डेड क्यों है ताकि आप इनको अपने पेस पे देख सके बफरिंग की आपको कोई टेंशन ना हो बट ये अपडेटेड नवे लेक्चर्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनके ऊपर भी ताकि मेंस 2024 तक अगर कोई डेवलपमेंट आए आपको टेंशन ना हो इसके अलावा हम मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद मेंटरशिप बाय एकेडमिक मेंटर एंड सिलेक्टेड ऑफिसर मेंटर्स जो स्ट्रेटिजिक मेंटर्स होते हैं डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है मेरे साथ मंथली लाइव जूम इंटरएक्टिव सेशन है हाफ लेंथ टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट के अलावा वीकली आंसर राइटिंग भी है अलोंग विद मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट एंड टू एंड इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक एंड इवेल्यूएशन इसके अलावा right? और भी मॉड्यूल्स को इंक्लूडिंग विदाउट आंसर इवेलुएशन विच कॉस्ट ओनली रुपीज टूशन एट एटीन थाउजेंड वट इज इवन मोर आप यूज कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट को टू गेट टेन परसेंट ऑफ ठीक है इसके अलावा अगर आप बेसिक्स की तैयारी खुद कर रहे हैं तो आप हमारा करंट अफेयर कोर्स जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं राइट टू ज्वाइन आ कोस आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर हमें इस ई मेल आई डी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर सिंपली विजिट कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम को जहां पर आपको हमारे पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग शेड्यूल जो है मिल जाएगा दिस इज ऑल अब चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स फर्स्ट टूडेज लेक्चर एंड साथ ही में अपनी तैयारी को हमेशा बढ़िया तरीके से पूरे करते हैं नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है इज द कंपैरिजन बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ टेरर ठीक है अब जब हम इनके बारे में बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर हम पहले भी देख चुके हैं रियलिस्ट थ्योरी के अंदर न्यू रियलिस्ट थ्योरी के अंदर जहाँ पे इनका मानना था दैट इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी जहाँ पे स्टेट्स को कम्पीट करना है अपनी नेशनल पावर को मेनटेन करने के लिए सिक्योरिटी डिलोमा का सिटेशन के साथ डील करने के लिए सेल्फ हेल्प इज द

तरह के बैलेंस ऑफ पावर की जो है टाइम एंड अगेन क्लासिकल रियलिज्म में फ्रॉम द टाइम्स ऑफ नॉट जस्ट कंटेम्प्रेरी थिंकर्स बल्कि इन फैक्ट इवन इन एंशियंट ग्रीस जब हम बात करते हिस्ट्री ऑफ फिलिपनीशियन वॉर की या जब हम की बात करते हैं एंड पे इटालियन सिटी स्टेट्स को देखते हैं वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर की जो है बहुत इंपॉर्टेंस जो है अंडरलाइन की गई थी सिमिलरली अर्थशास्त्र कॉटिल की अर्थशास्त्र के अंदर भी बैलेंस ऑफ पावर जो है एक टेक्निक की तरह आगे रखा गया है टू सेफ अपनी जीविशु की जो है सिक्योरिटी जो मेन उनका स्टेट है ठीक है तो इस तरह से हमें पता लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर सिंस एंशियंट रियलिस्ट ही जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानी गई थी इस पूरे स्कूल का नाउ व्हेन वी कम टू मॉडर्न थिंकर्स थिंकर्स लाइक ई एच कार थिंकर्स लाइक मॉर्गिन uh, था इन्होंने ये रिवाइव कर दिया था बैलेंस ऑफ पावर का आइडिया राइट right? अब हमें देखना है कि ये बैलेंस ऑफ पावर विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड बैलेंस ऑफ थ्रेट बैलेंस ऑफ टेरर से कैसे जो है क्या रिलेशनशिप है इसका क्या कुछ सिमिलैरिटीज है क्या कुछ डिफरेंसेस है उनको एक्सप्लोर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है अब हमने बात कर ली कि किस तरह से एंशियंट से ही बैलेंस ऑफ पावर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट आइडिया की तरह उभर के आ गया था वेर सिंस दूसी देन थ्रू थ्रू दे इस कॉन्सेप्ट को जो है इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया गया था कि जब भी कोई स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करता है हेजमन बनने की कोशिश करता है प्रिपोंडरेंस लेने की कोशिश करता है ओवर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द

दिखता है ठीक है क्यों एक तरह से बैलेंस मेंटेन करने के लिए अमंगस्ट वेरियस स्टेट्स अमंगस्ट वेरियस कंपोनेंट्स अब यही बैलेंस ऑफ पावर को जो आपके स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं अंडर स्कॉलर्स लाइक वॉल्ट्स उन्होंने इसको थोड़ा और सिस्टमैटिकली इसके बारे में बात करने की कोशिश की अब उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला ये बैलेंस ऑफ पावर एक्चुअल में एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है क्योंकि आपका इंटरनेशनल सिस्टम क्या है अनाकिकल है और इस अनाकिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई अब मॉनिटर या कोई वर्ल्ड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि बाकी स्टेट्स को एक हेजमोनिक स्टेट से बचा के रखे सो द ओनली वे टू हेल्प योर इन सच एन अनाकिकल सिस्टम इज कि अगर कोई भी स्टेट अगर एक एक या दो स्टेट जो हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो बाकी स्टेट्स जो जो हैं एक अलायंस बना ले, उन रोगों को रोकने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ है बढ़ाने के लिए वर्ल्ड का कहना था ये बैलेंसिंग जो है दो तरीकों से हो सकती है एक बैलेंसिंग को उन्होंने बोला इंटरनल बैलेंसिंग इंटरनल बैलेंसिंग क्या होती है कि इमेजिन कीजिए कोई जो है बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रोंग होता जा रहा है तो दूसरा हेजमेंट, दूसरी जो पावर है दूसरा जो स्टेट है वो भी क्या कोशिश करेगा कि अपनी नेशनल केपेबिलिटीज को और और वो बढ़ा पाए

सो so मच तो हमें उनसे भी और बेहतर जो है करना पड़ेगा राइट तो पहली चीज तो इंटरनल बैलेंसिंग हो जाती है अपनी नेशनल केपेबिलिटीज बढ़ा के इन टर्म्स ऑफ योर मिलिट्री स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डेर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर अर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस राइट या फिर थ्रू इस्टिशमेंट ऑफ इन फॉर्मल इन दोनों ही स्टेट ने किया विध द फॉर्मेशन ऑफ नेटो एंड वॉरसॉप एक्ट इनको क्या बोलते हैं इनको बोलतेनल बैलेंसिंग ठीक है कि ये एक्सटर्नली बैलेंस करने की जो है कोशिश कर रहे हैं एक हेजमिन को उसी तरह से हम इमेजिन कर सकते द कमिंग अप ऑफ आसियान

जो निग्रिटीज है उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश की अब हेडली बुल कहते हैं फोर मेन ग्राउंड्स, जिनके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैलेंस ऑफ पावर के टाइप्स पॉइंट आउट कर सकते हैं द फर्स्ट कंपैरिजन दैट ही बिटवीन सिंपल बैलेंस ऑफ पावर एंड कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ पावर सिंपल बैलेंस ऑफ पावर क्या है जिस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पे एग्जिस्ट करता था कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर क्या है दो एक्टर्स के बीच में है दो मेन नेशन स्टेट्स है उनके बीच में है कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ पावर ऑन द अदर हैंड इज अ सिस्टम जहां पे थ्री और मोर ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्वड तो आप इमेजिन कीजिए इफ यू लुक एट से बैलेंस ऑफ पावर इन एशियन कॉन्टिनेंटिंग राइट तो और बीच में ऑब्वियसली रशिया क्योंकि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है वो भी बीच बीच में घुसता रहता है राइट right? सिमिलरली अगर हम एक ग्लोबल स्केल पे बात करें राइट यू हैव चाइना विच इज एमर्ज एज अ ग्रेट पावर यू हैव ब्रिटेन एज अ ग्रेट पावर यू हैव जपान एज अ ग्रेट पावर यू हैव रशिया एज अ ग्रेट पावर एंड यू एस ए तो एज अ सुपर पावर एग्जिस्ट करती ही करती है राइट right? तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है और बैलेंसिंग टैक्टिक्स चल रहे होते हैं राइट right? तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू एस एज ग्रोइंग क्लोजर टू इंडिया राइट एट द सेम टाइम वी सी अ ग्रोइंग क्लोजनेस है बिटवीन चाइना एंड रशिया एंड चाइ पाकिस्तान राइट तो चाइना ट्राइंग टू मेक इन रोज इन टू पाकिस्तान राइट ट्राइंग टू डेवलप हाईवे जो आपके काराकोरम हाईवे तो राइट तो वहीं तो पे रशिया भी दोनों को ही बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को भी इंडिया को भी राइट तो इस तरह की जो बैलेंसिंग है इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पलेक्स बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं देन अनादर ग्राउंड फॉर डिफरेंस जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन जनरल बैलेंस ऑफ पावर एंड लोकल बैलेंस ऑफ पावर जनरल बैलेंस ऑफ पावर क्या है अगर कोई एक डोमिनेंट पावर पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करती जैसे कि कोल्ड वॉर के के टाइम पे क्या था एक था एक सिस्टम ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर बीच में जो है पावर डिवाइडेड थी लोकल बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है जब रीजनल इंबैलेंस है दे कैन बी इंटरनेशनल रिलेशन है फॉर एग्जाम्पल देस ऑफ यूएसए बट रीजनली जो है दे कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसिस ऑफ पावर राइट तो फॉर एग्जाम्पल मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया जो रीजन है वहाँ पे एक अलग तरह का पावर ग्रे गेम चल रहा है राइट सो यू कैन इमेजिन ईरान इसराइल सऊदी अरेबिया कतर इन सब के बीच की जो बैलेंसिंग टैक्टिक्स चाह चल रही हैं वो क्या है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल बैलेंस ऑफ

ये क्या है फोर्टिटूअ बैलेंस फॉर्चुटूस बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है के बेसिकली ये फॉर्च्यून फॉर्च्यून मतलब डेस्टिनी मतलब आपकी किस्मत ऐसी हुई कि बेसिकली जंग चल रही थी एंड जंग के बीच में एक डेडलॉक आ गया राइट right? जैसे कि हमने ट्रेंच वॉरफेयर एग्जामिन किया था ट्रेंच वॉरफेयर एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड वॉर वन में सो एट अ सर्टेन पॉइंट देर वॉज अ बैलेंस ऑफ पावर बिकॉज एक डेडलॉक हो गया था कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी राइट right? तो यहाँ पे हमने प्लान नहीं किया था बैलेंस ऑफ पावर पर बैलेंस ऑफ पावर होस आ गया

ऑफ बैलेंस ऑफ पावर ठीक है तो ये जो एक मूव्स है सिमिलरली इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट आल्सो हम बात कर सकते हैं द काइंड ऑफ हेजेमोनिक स्टेटस दैट चाइना हैज एंड ग्रोइंग क्लोजनेस ऑफ इंडिया विद यूएसए तो इंडिया के एक जो अटेम्प्ट्स है टू साइन अ नंबर ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स विद यूएसए राइट तो तीन जो फाउंडेशनल उनके हैं व्हिच इज योर लेमोआ

Region. ठीक है? सो so, इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ़ पावर जो है, इसको हम हम वो कहते हैं, हैं, राइट? नेक्स्ट वेरी कम्स अदर टर्म ऑफ़ जिसके साथ हम इसको कर रहे हैं. वो क्या है? जो है, है, जो के हमने कॉन्सेप्ट किया मतलब, करना. करना मतलब किसी को रोकना राइट सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द

राइट इट वाज अ साइन ऑफ व्हाट पावर पॉलिटिक्स कि देख लो मेरे में इतनी डेवलपमेंट हुई हुई है तो तब से सोवियत यूनियन भी फिर चालू हो गया दैट हम कैसे पीछे रह सकते हैं एंड ये जो कोल्ड वॉर है इसको मेनी स्कॉलर्स लाइक जर्विस ने इसको बुलाया है द फर्स्ट न्यूक्लियर एज जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन जो थी प्राइमली क्या थी वर्टिकल थी वर्टिकल का क्या मतलब है दैट देयर वाज अ देयर वाज एन ऑन गोइंग एक तरह से रेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर कि किसके पास ज्यादा वेपन्स होंगे राधर देन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन क्या होता है मोर एंड मोर कंट्रीज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स ठीक है जैसे कि जो बाद में होने लग गया कि जैसे कि हम लोगों ने अपना पोखरान के अंदर इंडिया जो है न्यूक्लियर कैपेबल हो गया पाकिस्तान हो गया इसराइल एंड ईरान का एक बड़ा ही ओपेक सा स्टेटस एग्जिस्ट करता है कि वो कैपेबल कितने हैं राइट सो so ये आइडिया क्या है ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स वॉज यहाँ पे एनपीटी साइन करना कि बेसिकली एनपीटी जिसको इंडिया क्या मानता है डिस्क्रिमिनेटरी मानता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी क्या बोलती है कि कोई और जो है डेवलप नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को ठीक है ये 1995 तक जो है एक्सटेंड कर दी गई थी इनडेफिनेटली जो बिग फाइव स्टेट्स थे जिनके पास ओरिजिनल न्यूक्लियर वेपन्स थे ठीक है किनोंने नहीं साइन की है इंडिया ने पाकिस्तान ने और

बिलिटी क्या हो गया दैट इवन इफ अगर उनके ऊपर अटैक हो जाता है उसके बाद भी हमारे पास इंडिया के पास कैपेबिलिटी है वेदर थ्रू अ सबमरीन वेदर थ्रू अ वॉरशिप वेदर एरियली टू फायर अ न्यूक्लियर वेपन से एट पाकिस्तान आल्सो एंड डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजिक टारगेट्स एंड पॉपुलेशन सेंटर्स उसको हम क्या कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कि अगर हमारे ऊपर भी फर्स्ट स्ट्राइक हो गई एंड हमारे पे हमारे इंडिया में मैसिव डिस्ट्रक्शन भी हो गई बट उसके बाद भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी ऑफ एक तरह से रिटेलिएटिंग एंड यू नो सेंडिंग अ अ मिसाइल सेंडिंग न्यूक्लियर वेपन बैक एट देम आल्सो राइट तो यही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की डेवलपमेंट अब क्या हो गई थी यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में भी हो गई थी इंडिया चाइना पाकिस्तान हम सब में भी अब ये कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है राइट right? तो इसके कारण अब क्या हो जाता है एक डर बैठ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअली अट डिस्ट्रक्शन तो ऐसी बात नहीं है कि जिसने पहला बटन दबा दिया वो बच जाएगा नहीं कैपेबिलिटीज बेटा तुम भी जाओगे ही जाओगे और इसको जर्विस बुलाते हैं, ये एक न्यूक्लियर रेवोल्यूशन है दैट नोबडी इज सेफ एनी लॉन्गर राइट एंड ये जो है एक न्यूक्लियर डेटरेंस बन के आ गया जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ

कि basically आप alliances बना लीजिए, जैसे नेटो एक्सेट्रा क्या था अलायसेस थी एक तरह से दूसरे पावर को एक बैलेंस आउट करने के लिए ठीक है एक और एग्जांपल क्या होता है बफर स्टेट बनाने का जैसे कि हम पहले इमेजिन करते थे कि आपका इंडिया एंड चाइना के बीच में बफर स्टेट क्या है नेपाल लाइक करता है बेसिकली दो हॉस्टाइल स्टेट्स के बीच में एक बफर एग्जिस्ट कर रहा है राइट right? उसी तरह से हम इमेजिन करते थे राइनलैंड वो सपोज टू बी अ बफर स्टेट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी ठीक है तभी मिलिटराइज़ेशन ऑफ राइनलैंड जो है प्रॉब्लमेटिक उनको दिखनी चाहिए थी राइट right? तो ये क्या है ये बफर स्टेट जो है ये बीच में एक तरह से एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है क्योंकि ये बीच में एग्जिस्ट कर रहा है राइट right? उसी तरह से ये जो एग्जिस्टेंस है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट मे बी सीन एज ये जो आर्ममेंट है दिस मे बी सीन एज अ टेक्निक फॉर बैलेंस ऑफ पावर एज़ वेल ठीक है हाउएवर देर आर सर्टेन ब्रॉडर डिफरेंसेस जो कि इनके बीच में आते हैं जो कि ऑर्गन्स की पॉइंट आउट करते हैं अब सिमिलैरिटीज क्या हैं सिमिलैरिटीज है कि दोनों ही बैलेंस ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ टेरर किसके ऊपर जो है उनका फोकस है मैक्सिमाइजिंग ऑफ पावर ठीक है और मैक्सिमाइजिंग ऑफ पावर क्यों क्योंकि रियलिस्ट्स के रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट जो हैं ये मेनली उनके अंदर बहुत प्रेवलेंट है टर्म्स एंड फॉर रियलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट पावर क्या है पावर इज योर मिलिट्री स्ट्रेंथ ठीक है तो इसीलिए ये बैलेंस ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ टेरर दोनों ही पावर मैक्सिमाइजेशन के टेक्निक्स हैं देन दोनों ही इंटरप्रेट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर हो या बैलेंस ऑफ टेरर के पीस जो है एक तरह से अचीव की जा सकती है नहीं तो जैसे कि जॉन मेयर शाइमर ने क्या बोला कि कोल्ड वॉर का पीरियड जो था वाज अ लॉन्ग पीस पीरियड कि क्योंकि दोनों के पास अलायंसस भी थी तो बैलेंस ऑफ पावर प्लस बैलेंस ऑफ टेरर भी था दोनों जो है न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स थे जिसके कारण पीस प्रिवेल करती रही एंड दोनों के बीच में एक वर्ल्ड वॉर जो है वो अक्सर

सम्री बिकम्स क्लोजर टू अनादर ने स्टेट वी हैव टू अगेन ग्रो क्लोजर टू अनादर कंट्री ठीक है वी हैव टू मेक एन अटेम्प्टू द सेम राइट सिमिलरली अगर हमें लगता है कि कोई और कंट्री जो है और न्यूक्लियर वेपन बना रही है हमें अपनी क्षमता जो है उनको बढ़ाने की कोशिश

वर्ल्ड वॉर टू से पहले भी लोगों ने बड़ी अलायसेज की थी साइन क्या हुआ राइट सम कंट्रीज माइट रिसाइंड सम कंट्रीज माइट बिट्रे यू

डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस क्या है अब पहली चीज तो बैलेंस ऑफ पावर को लगता है कि देखिए वॉर तो होनी है बट वॉर क्या है वॉर के थ्रू भी जो है हम एक तरह से

उट इज नॉट बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर जो की एग्जिस्ट करता था बट बेसिकली बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर जो की एग्जिस्ट करता था जो की कोल्ड वॉर के दौरान से बन गया था देन बैलेंस ऑफ पावर एक तरह से परमानेंट आर्म्स रेस है राइट अगर हमने पावर मेंटेन करके रखनी है एक दूसरे के बीच में तो अगर उसने एक मिसाइल बनाई मैं दो बनाऊंगा अगर मैंने दो बनाई वो चार बनाएगा फिर मैं छह बनाऊंगा एंड सो सो सोफो तो ये आर्म्स रेस दो है चलती रहती है ऑन दी अदर हैंड बैलेंस ऑफ टेरर आफ्टर अ सर्टेन वाइल इट ट्राइज़ टू लिमिट the arms race why because it doesn't matter if i have one nuclear weapon two nuclear weapon or 100 nuclear weapon destruction tho is ensured only right so because of this reason jab aapke paas second strike capability hai you try to limit the number of weapons so that those weapons don't end up in the hands of wrong people theek hai so that is why we saw you know multiple treaties in the form of salt 1 salt 2 start 1 start 2 being negotiated and signed between usa and ussr to sort of limit these arms race right to so new start sign ki gayi russia and यू एस ए के भी, भी बीच में एंड इट वॉज ड्यू टू एक्सपायर इन फेब ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सटेंशन टू इट एंड नाउ फेब ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक जो है ये न्यू स्टार्ट विच इज स्ट्रटिजिक

ना ना हो और ना हो और जो आपके कई बार आपको alliance की भी जरूरत नहीं है राइट तो हमें क्या लगता है अकेले अकेले कंट्रीज of the day, मैं भी nuclear पावर हूँ आप भी nuclear power है राइट फॉर एग्जाम्पल ईरान इजराल why do they इतना स्ट्रेस क्यों है न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज को डेवलप करने का बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय